नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफ कैन स्टडी में। हमारी आज की कहानी है किसान की होशियार बेटी। एक समय की बात है, रामपुर गांव में बलदेव नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी मीना थी, जो बहुत सुंदर और होशियार थी। बलदेव के खेत जमींदार के पास गिरवी थे। बलदेव खेतों में मेहनत करके घर का गुजारा चलाता था। उसने 3-4 महीने खेत में काम करके एक फसल उगाई थी, जो फसल अब पककर तैयार हो चुकी थी। बलदेव ने अपनी सारी फसल को बेचकर पैसे कमा लिए। बलदेव फसल बेचकर जो भी पैसे मिलते थे उसके 3 हिस्से लगाता था। एक हिस्सा वह घर के खर्च के लिए रखता था, दूसरा हिस्सा जमींदार को ब्याज के रूप में देता था और तीसरा हिस्सा अपनी बेटी मीना की शादी के लिए अलग से रख देता था। फसल बिकने पर जमींदार अपना ब्याज लेने बलदेव के घर पहुंच गया। वहां पर उसने मीना को देखा, जो कि बहुत सुंदर थी। उसके बाद वह बलदेव से अपना ब्याज लेकर चला गया। कुछ दिनों में बलदेव अपनी अगली फसल उगाने में लग गया। 3-4 महीने की मेहनत के बाद फसल उग गई और कुछ दिनों के बाद उसकी कटाई होने वाली थी, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई और कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती रही, जिससे सारी फसल खराब हो गई। इससे बलदेव और उसकी बेटी मीना बहुत दुखी हो गए। कुछ दिनों के बाद जमींदार अपना ब्याज लेने के लिए बलदेव के घर पर पहुंच गया। बलदेव ने उसको बताया कि अब की बार बारिश की वजह से उसकी सारी फसल खराब हो गई। जमींदार ने मीना की तरफ देखा और बलदेव से बोला, यदि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करा देते हो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। इस पर बलदेव ने आपत्ति जताई तो जमींदार ने एक तरकीब बताई कि हम एक खेल खेलते हैं, इसमें से एक काला और एक सफ़ेद पत्थर मैं एक मटके के अंदर डाल दूंगा। मीना को उसमें से बिना देखे एक पत्थर को निकालना है। यदि वह काला पत्थर निकालेगी तो मीना को मुझसे शादी करनी होगी और मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। यदि वह सफ़ेद पत्थर निकालेगी तो उसको मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। बलदेव को जमींदार का ब्याज भी देना था। यदि वह उसकी बात नहीं मानता तो उसने खेल के लिए हाँ कर दी। जमींदार बहुत धोखेबाज था। उसने ज़मीन से दोनों काले पत्थर लिए और मटके के अंदर डाल दिए। मीना ने उसको दोनों काले पत्थर मटके के अंदर डालते हुए देख लिया। मीना बहुत होशियार थी। उसने कुछ देर सोचा, फिर मटके के अंदर से एक पत्थर निकाला और गिरने का बहाना बनाकर जमीन में गिर गई और उस पत्थर को बाकी सभी पत्थर में मिला दिया। जमींदार और बलदेव सोचने लगे, जो पत्थर मीना ने उठाया था वह कैसे पता चलेगा। तो मीना बोली, इसका पता हम मटके के अंदर के पत्थर से लगा सकते हैं। मटके के अंदर पत्थर देखा तो उसका रंग काला था। इसका मतलब मीना ने जो पत्थर उठाया और जो हाथ से गिर गया उसका रंग सफ़ेद था। इस तरह मीना की होशियारी से बलदेव का कर्ज भी माफ हो गया और मीना को जमींदार से शादी भी नहीं करनी पड़ी। मीना ने समझदारी से काम लिया और जमींदार के चुंगल से खुद को बचा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।